गुड आफ्टरनून बच्चों, आपकी क्लास है फिफ्थ। आपका सब्जेक्ट है जीके, और जीके में हम आए हैं चैप्टर नंबर 13 पे, जिसका नेम है एरीगेशन एंड पावर प्रोजेक्ट। एरीगेशन एंड पावर प्रोजेक्ट मतलब क्या होता है बच्चों? जहाँ पे सिंचाई की जाती है और जहाँ पे बिजली की परियोजना की जाती है, वो जगह होती है एरीगेशन एंड पावर प्रोजेक्ट। आप ये चैप्टर आगे आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि इस चैप्टर में क्या करना है। देखिए हम हेडिंग पढ़ते हैं, द नेम्स ऑफ सम प्रोजेक्ट आर गिवन इन कोलम ए। देखिए ये सारे प्रोजेक्ट के नेम दिए हुए हैं कोलम ए में, ये है कोलम ए, और ये सारे प्रोजेक्ट हैं जिनके नेम कोलम ए में दिए गए हैं। एंड द नेम्स ऑफ द स्टेट दैट बेनिफाइड बाय द प्रोजेक्ट आर गिवन इन अ कोलम बी। और यहाँ कोलम बी में वो स्टेट्स के नेम दिए हुए हैं जिनको प्रोजेक्ट की वजह से फायदा हुआ है। ये सारे जो कोलम बी में प्रोजेक्ट के नेम और ये स्टेट हैं जिनको इन प्रोजेक्ट की वजह से फायदा मिला है, इनको इनका बेनिफिट मिला है, वो कोलम बी में लिखे हुए हैं, इन अ कोलम बी। राइट द नेम्स ऑफ द रिवर्स ऑन विच द प्रोजेक्ट आर बिल्ट इन द ब्लैंक। और यहाँ पे रिवर्स के नेम लिखे हुए हैं जो हमको इस ब्लैंक्स में से ढूंढ के लिखने हैं कि ये रिवर्स, ये जो प्रोजेक्ट हैं इस रिवर के ऊपर बनाए गए हैं, यानी कि उनके ऊपर बांधे बनाए गए हैं, बिल्ड किए हुए हैं, ये उन रिवर्स के नेम हैं। तो हमें यहाँ पे रिवर्स के नेम लिखने हैं। समझ आया बच्चों? कॉलम ए ये सारे प्रोजेक्ट हैं। देखिए प्रोजेक्ट के नेम कौन है? भाकरा नांगल, बीस, चंबल, दामोदर वैली, फड़क्का बैरिज, गंडक, ये सारे प्रोजेक्ट के नेम हैं, ये सारे पावर प्रोजेक्ट के नेम हैं। और ये जो कॉलम बी है यहाँ पे स्टेट दिए हुए हैं, इन स्टेट को, ये जो प्रोजेक्ट में कॉलम है, इन प्रोजेक्ट की वजह से इन स्टेट्स को फायदा हुआ है, इनका इनको बेनिफिट मिला है इन प्रोजेक्ट का, सिंचाई के लिए या हमें कोई बिजली की जरूरत होती है तो वो इन सिटीज को, इन स्टेट को बेनिफिट मिला है इन प्रोजेक्ट का, तो वो यहाँ पे कॉलम बी में लिखा है। और ये जो प्रोजेक्ट है कौन सी रिवर के ऊपर बांधा गया है, कौन सी रिवर के ऊपर बनाया गया है, हमें वहाँ पे ये रिवर्स के नेम लिखने हैं। समझ आया बच्चों आपको इतना? अब हम शुरू करते हैं, फिर आपको पता चलेगा कि यहाँ पे लिखा क्या है। ये काउंस में रिवर्स के नेम दिए हुए हैं सारे, मैंने ऑलरेडी आंसर्स लिखे हुए हैं। नाउ वी कैन स्टडी कॉलम ए। कॉलम ए में क्या है? प्रोजेक्ट के नेम है। क्या है बच्चों? ये प्रोजेक्ट हैं हमारे सारे, ये प्रोजेक्ट हैं सारे। और ये कॉलम बी में है स्टेट के नेम जिससे बेनिफिट मिला है प्रोजेक्ट का, स्टेट के नेम है। देखिए यहाँ पे नंबर वन भाखड़ा नांगल, ये प्रोजेक्ट है भाखड़ा नांगल, उसके बाद है कॉलम बी। तो भाखड़ा नांगल जो प्रोजेक्ट है उसका बेनिफिट कौन से स्टेट्स को मिला है? पंजाब को, हरियाणा को और राजस्थान को। और ये जो भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट है वो किस रिवर के ऊपर बनाया गया है? तो वो सतलुज रिवर के ऊपर बनाया गया है। कौन सी रिवर के ऊपर बच्चों? सतलुज रिवर के ऊपर भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट बनाया गया है। सेकंड नंबर है बीज प्रोजेक्ट का बेनिफिट कौन से स्टेट्स को मिला है? पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान। और वो कौन से रिवर के ऊपर मैट किया गया है? बीज एंड सतलुज। नंबर थर्ड चंबल, समझ आ रहा है बच्चों? चंबल नंबर थर्ड इज चंबल, कौन सा प्रोजेक्ट में हम आए हैं? चंबल। और चंबल का बेनिफिट कौन से स्टेट को मिला है? मध्य प्रदेश एंड राजस्थान को। और मध्य प्रदेश और राजस्थान को इनका बेनिफिट्स मिला है और प्रोजेक्ट का नेम है चंबल। तो चंबल जो प्रोजेक्ट है वो कौन से रिवर के ऊपर बना है? चंबल रिवर के ऊपर बना है, रिवर का नेम भी चंबल ही है। नेक्स्ट है नंबर फोर, नंबर फोर इज दामोदर वैली प्रोजेक्ट। और दामोदर वैली प्रोजेक्ट का बेनिफिट कौन से स्टेट्स को मिला है? वेस्ट बंगाल एंड बिहार को। एंड वेस्ट बंगाल एंड बिहार में कौन सी रिवर के ऊपर ये प्रोजेक्ट बना गया है? तो दामोदर रिवर के ऊपर ये प्रोजेक्ट बनाया गया है, तो आपको यहाँ पे लिखना है दामोदर। नंबर फिफ्थ फड़क्का बैरिज, और फड़क्का बैरिज जो हमारा प्रोजेक्ट है उसका बेनिफिट कौन से स्टेट को मिलता है? वेस्ट बंगाल को। और वहाँ पे कौन सी रिवर है वेस्ट बंगाल में? कौन सी रिवर के ऊपर ये प्रोजेक्ट बनाया गया है? तो वो है गंगा रिवर। गंगा रिवर के ऊपर फड़क्का बैरिज प्रोजेक्ट को बनाया गया है। नेक्स्ट है नंबर सेवन गंडक, और गंडक का यूज कौन से स्टेट को गंडक प्रोजेक्ट का बेनिफिट मिला है? बिहार एंड उत्तर प्रदेश।
एंड वो रिवर कौन सी है? गंडक। गंडक रिवर का भी नेम गंडक ही है। नेक्स्ट इज नंबर 7 हीराकुंड, हीराकुंड डैम। नंबर 7 इज हीराकुंड डैम। हीराकुंड डैम का बेनिफिट कौन से स्टेट को मिला है? ओडिशा को। किसको मिला है? ओडिशा को। और ओडिशा में कौन सी रिवर है और उसके ऊपर हीराकुंड डैम बनाया गया है? तो ओडिशा में कोसी रिवर के ऊपर ये डैम, सॉरी हीराकुंड डैम, हीराकुंड डैम का जो बेनिफिट है वो ओडिशा को मिला है। ओडिशा में कौन सी रिवर के ऊपर ये डैम बनाया गया है बच्चों? तो महानदी के ऊपर बनाया गया है। कौन सी नदी के ऊपर? महानदी। तो आपको यहाँ पे आंसर लिखना है महानदी। आप मेरे साथ लिखते जाए तो आपको समझ आएगा महानदी। नेक्स्ट इज नंबर 7, नंबर 8। नंबर 8 है कोसी। कौन सा प्रोजेक्ट आया? कोसी। और कोसी का बेनिफिट कौन से स्टेट को मिलता है? बिहार को। और बिहार में कौन से रिवर के ऊपर ये प्रोजेक्ट बनाया गया है? तो कोसी। कोसी भी रिवर का, रिवर का नेम भी कोसी ही है। नंबर 9, नंबर 9 इज कोयना। कौन सा प्रोजेक्ट है हमारा? कोयना प्रोजेक्ट। कोयना प्रोजेक्ट कहाँ पर है और कोयना प्रोजेक्ट का बेनिफिट कौन से स्टेट को मिला है? तो महाराष्ट्र को कोयना प्रोजेक्ट का बेनिफिट मिला है। और महाराष्ट्र में कौन सी रिवर के ऊपर ये बनाया गया है? तो कोयना रिवर के ऊपर ये प्रोजेक्ट बनाया गया है। नंबर 10 इज माही। माही का, माही प्रोजेक्ट कहाँ पर, उसका बेनिफिट है राजस्थान एंड गुजरात को और वहाँ की रिवर है माही। नेक्स्ट इज नंबर 11 काकरापार। काकरापार प्रोजेक्ट इज बेनिफिट आर गुजरात। गुजरात को काकरापार प्रोजेक्ट का बेनिफिट मिला है। और गुजरात में कौन सी रिवर है? तापी। तापी रिवर के ऊपर काकरापार प्रोजेक्ट का बनाया गया है। नंबर 12 नागार्जुन सागर डैम। नागार्जुन सागर डैम का बेनिफिट आंध्र प्रदेश स्टेट को मिला है। और आंध्र प्रदेश स्टेट में जो हमारी नागार्जुन सागर डैम है जो बिल्ट की गई है वहाँ पे कौन सी नदी है? कृष्णा नदी है। तो आपको यहाँ पे लिखना है कृष्णा। नंबर 13, नंबर 13 इज नर्मदा वैली। नर्मदा वैली का बेनिफिट कौन से स्टेट्स को होता है? लेट्स सी, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात एंड राजस्थान। इन 1, 2, 3, 4 इन फोर स्टेट्स को नर्मदा वैली का बेनिफिट मिलता है। और नर्मदा वैली और वहाँ पे कौन से रिवर पे बनी है? नर्मदा रिवर पर नर्मदा वैली प्रोजेक्ट बिल्ट किया गया है। नेक्स्ट इज नंबर 14। नंबर 14 इज रिहान डैम। रिहान डैम इज वेयर? रिहान डैम इज उत्तर प्रदेश एंड बिहार। और वहाँ पे कौन सी रिवर है? रिहान रिवर के ऊपर ये बिल्ट किया गया है। नंबर 15 तुंगभद्रा। कौन सा प्रोजेक्ट है? तुंगभद्रा। नंबर 15 इज तुंगभद्रा। और वो कौन से स्टेट को बेनिफिट देती है? आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका। और कौन से रिवर के ऊपर बनी है? तुंगभद्रा। रिवर का नेम भी तुंगभद्रा ही है। नेक्स्ट एंड लास्ट है हमारा नंबर 16 इज उकाई। किसी को पता है उकाई डैम कहाँ पर है? उकाई डैम इज इन गुजरात। गुजरात में हमारे उकाई डैम है। और उकाई डैम का जो बेनिफिट मिलता है वो गुजरात को मिलता है। और वो कौन से रिवर के ऊपर बनी है? ताप्ती। इसे ताप्ती या तापी कहते हैं। इन रिवर्स के ऊपर उकाई डैम को बनाया गया है, बिल्ड किया गया है। ठीक है बच्चों, आपको समझ आया ये चैप्टर? चैप्टर नंबर 13 हमारा फिनिश होता है। समझ आया बच्चों? ये प्रोजेक्ट था, ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ये सारे प्रोजेक्ट के नेम थे, इन प्रोजेक्ट की वजह से इन स्टेट्स को बेनिफिट मिला है, ये उनके नेम थे। और ये जो प्रोजेक्ट थे ये किस रिवर के ऊपर बिल्ड किए गए हैं, ये रिवर्स के नेम हमें लिखने थे। आपका होमवर्क रहेगा कि आपको पता ही है कि ये रिवर्स के नेम आपको आपकी जीके की नोटबुक में एंड ऑल्सो इन टेक्स्ट बुक, ये आपकी टेक्स्ट बुक है तो आप टेक्स्ट बुक में भी ये चीज़ लिखें और आपकी जो नोटबुक होती है जीके की उसमें भी आपको ये करना है। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ सभी को? फिर से मैं एक बार आपको क्लियर करती हूँ, ये सारे प्रोजेक्ट के नेम हैं। और ये जो प्रोजेक्ट हैं, ये सारे प्रोजेक्ट कौन से हैं बच्चों? एरीगेशन एंड पावर प्रोजेक्ट। एरीगेशन मतलब क्या होता है बच्चों? ये सारे सिंचाई और बिजली विभाग के लिए होते हैं, ये प्रोजेक्ट होते हैं। ये इनके थ्रू हमें पानी मिलता है, हम सिंचाई कर सकते। सिंचाई मतलब हम एरीगेशन मतलब आप खेती, जो लोग खेती करते हैं
उनको पानी की जरूरत होती है, जिससे वो लोग उन खेती का उस खेती की सिंचाई करते हैं जिससे उनकी फसल अच्छी होती है। और बिजली और जो हमारे जो पावर प्रोजेक्ट होते हैं यानी कि उनसे हम लोग पानी से, आपको पता है कि जो हमारी पावर सप्लाई होती है वो भी ये जो प्रोजेक्ट हैं उनके थ्रू ही होती है। ठीक है, तो ये सारे प्रोजेक्ट के नेम दिए हुए हैं और इन प्रोजेक्ट की वजह से इन स्टेट्स को बेनिफिट होता है, ये उनके नेम दिए हुए हैं। और ये प्रोजेक्ट किसके ऊपर बनाए गए हैं, तो सारे रिवर्स के ऊपर बनाए गए हैं, वो रिवर्स के नेम यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, एज यूजल आपको होमवर्क करना है, होमवर्क कंप्लीट करके सेंड करना है। और जब भी आप होमवर्क सेंड करें, मोस्ट कंपल्सरी आप आपका नेम स्टैंडर्ड सब्जेक्ट लिख कर भेजें। ठीक है बच्चों, थैंक यू, हैव अ गुड डे।